आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा। धूमधाम से मनाया गया श्री हनुमान जन्मोत्सव। बाबा की शरण में श्रद्धालु बलवाड़ा। हिंदू धर्म के अनुसार श्री हनुमान जन्मोत्सव महापर्व है। इसे चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसी दिन हनुमान जी के जन्म की मान्यता है। क्षेत्र में शनिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में जगह जगह धार्मिक आयोजन भंडारे हुए। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई। श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया और दूध से अभिषेक भी हुआ। बाबा की शरण में श्रद्धालु। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर तड़के से ही लोग श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा बाबा हनुमान जी की महाआरती की गई। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ भी किया। श्रद्धालुओं द्वारा अपने कष्टों को दूर करने, मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाबा से प्रार्थना की गई। नगर में श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, तालाब वाले अति प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर मोरीपुरा, जय बाबा बाल हनुमान पंधाना, श्री बालाजी सरकार आकाश वृत्ति आश्रम, छोटे बालाजी तीन टेकरी, आम वाले बाबा चौधरी मोहल्ला में भक्त श्रद्धा के साथ अपनी अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। नगर में ये रहा विशेष। नगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नगर स्थित तालाब वाले श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर प्रातः 6 बजे महाआरती कर बाबा का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पंडित घनश्याम शर्मा ने चोला चढ़ाया। वहीं दोपहर में 12 बजे कन्या भोजन के पश्चात विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ। ये विशाल भंडारा जिंदल परिवार की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वहीं नगर के प्रवेश द्वार पर स्थित आकाश वृत्ति आश्रम पर मकर संक्रांति से आयोजित अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। तत्पश्चात यहां भी सायंकाल को विशाल भंडारा हुआ, जिसमें क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों ने प्रसादी ली। आकाश वृत्ति आश्रम के महंत पंडित हरिओम गुरु शर्मा गुरु महाराज ने बताया, रविवार से अखंड रामायण का पाठ पुनः 1 वर्ष के लिए चालू हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में मंगलमय हनुमान जी। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्र रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए शिवजी हनुमान रूप में अवतरित हुए थे। भगवान शंकर ने श्री विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त किया था, जिसे पूर्ण करने हेतु वो अवतार लेना चाहते थे। वेद पुराणों में हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है। बलवा से कृष्ण कुमार श्रीवास की रिपोर्ट।